हेलो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल ऑफ हाउस वाइफ में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं अपना बेडशीट चेंज कर रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा हुआ है मुझे। मैंने आपको अपने किसी एक वीडियो में बताई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दांत में पेन हो रहा है, तो वो भी हो रहा है मुझे। और मेरा BP भी थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, कम नहीं हो रहा है वो। और फिर मेरे पेट में भी प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है मुझे और ऐसे ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो आज बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था मुझे। वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, बट वीडियो तो बनाना ही है, इसीलिए आज बस ऐसे ही वीडियो। मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी ना, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। और एक चीज़ और शेयर करनी थी, मैंने ये कुछ मंगवाया है अपने किचन के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ये मेरे पास ना पहले भी था, जहाँ पे मैं पहले जॉइंट फैमिली में रहा करती थी ना, तब भी मेरे पास था। ये बॉस का है, तो ये अभी मैं इसको वापस मंगवा ली हूँ, क्योंकि ना थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी इसके बिना, आदत हो गई थी ना इसकी, तो इसीलिए अभी मैंने इसको मंगवा ली हूँ। तो मेरे पास जो पहले था ना, वो सिर्फ जो ये मशीन है, ये जो हैंड ब्लेंडर है, ये और दो ब्लेड सिर्फ मेरे पास थे। तो उसमें मैंने इसके दो अटैचमेंट और मुझे मिले हैं इसके अंदर, तो वो पहले वाले में नहीं थे ना। ये जो दो बॉक्स आप छोटे छोटे देख रहे हैं ना, ये मुझे इसमें मिले हैं। और पहले ना मेरे पास सिर्फ मशीन था, और ये जो मैं ब्लेड खोल रही हूँ ना अभी, तो ऐसे ही मेरे पास दो थे या तीन ब्लेड थे शायद, तो मुझे इसमें तो दो ही ब्लेड मिला है, तो ऐसे ब्लेड थे और ये एक मशीन था ये वाला। तो ये ना मेरे पिछले घर में ही छूट गया है, वहीं पे रह गया था, तो वहाँ पे भी फैमिली है तो वो लोग यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको वहीं पे छोड़ दी थी। और ये इसका स्टैंड है, जैसे इसमें रखते हैं ना। और ये जो मुझे दो अटैचमेंट मिला है, उसमें से ये एक अटैचमेंट है जो है चॉपर, इसमें जो चॉपिंग वगैरह आप कर सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाती है इसके अंदर चॉपिंग करना। अभी तो मैंने इसको यूज़ कर ली हूँ, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छा। मैं दिखाऊंगी, वीडियो तो नहीं बनाई थी, बट मैं फिर कभी अगर इसको चॉप करूँगी इसके अंदर ना, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इसका। और बहुत इजी इसके अंदर चॉपिंग होती है, क्लीनिंग भी बहुत अच्छा है इसका, आप बहुत जल्दी से इसको क्लीन भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और मैं जस्ट आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, इसको ऐसे लगा के यहाँ पर अटैच करके इसको यूज़ किया जाता है। और फिर दूसरा ये है, सेकंड वाला अटैचमेंट जो ये मिला हुआ है ना, ये जो है एक जार है, इसका शायद ये स्टैंड निकल गया था नीचे से, तो मैं इसको अभी यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। अगर आपको गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, यहाँ पे हमेशा ऐसी आवाज़ आती रहती है। और ये है अटैचमेंट जो है चटनी के लिए, इससे चटनी बना सकते हैं आप। थोड़ी सी क्वान्टिटी की अगर चटनी होगी ना, तो आप इसमें बना सकते हैं। वैसे भी इतनी भी थोड़ी नहीं बनती है, तो भी 4 से 5 लोग इसके अंदर चटनी आराम से खा लेते हैं। मैंने बनाया है इसके अंदर चटनी, बहुत इजी वाली चटनी इसके अंदर बन जाती है, और जल्दी से बन जाती है ये चटनी। और यही है इसका दो अटैचमेंट, ये इसका स्टैंड है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए जो उसके ये मिले हैं ना ब्लेड छोटे वाले, तो इसको यहाँ पर रख के इसको आप दीवार में हैंग कर सकते हैं, और टाइल्स के ऊपर भी ड्रिल वगैरह करके। और बस यही अटैचमेंट था। तो मैं इसी से ना आपको एक मिल्क शेक बनाने के लिए बता रही हूँ, तो ये वाला ब्लेड मैं यूज़ करूँगी मिल्क शेक बनाने के लिए, क्योंकि जो मैं फ्रूट यूज़ कर रही हूँ वो फ्रोज़न है। मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी लिया है। मैंने एक वीडियो में किसी आपके साथ में शेयर करी थी कि मैंने कैसे स्ट्रॉबेरी को क्लीन करके धोकर और उसको मैंने फ्रीज़र में रख दी थी आगे यूज़ करने के लिए। तो देखिए ये जो अटैचमेंट था ना इसका, ये वाला अटैचमेंट मैंने लगा दी हूँ, क्योंकि हम लोगों को फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी यूज़ करनी है। तो ये है मेरी वो स्ट्रॉबेरी जो फ्रोज़न हो चुकी थी, और ऐसे ही मैं जब स्ट्रॉबेरी जाने लगती है ना, तो उसको मैं क्लीन करके और अच्छी तरह से उसको साफ़ वगैरह करके धोकर उसको मैं अच्छी तरह से बॉक्स में डाल कर रख देती हूँ फ्रीज़र में, तो यूज़ होते रहता है। जब स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती है, तभी भी हमको ये स्ट्रॉबेरी घर में रखी हुई स्ट्रॉबेरी फ्रेश हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मिल्क शेक वगैरह बना सकते हैं, स्मूदी वगैरह। तो मैं आज यहाँ पर आपके साथ में स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक शेयर कर रही हूँ, इस मशीन से मैंने कैसे बनाया था। तो यहाँ पे मैंने एक, देखिए ये एक बर्तन में मैंने ना स्ट्रॉबेरी ले ली हूँ, शुगर दूध डाल दिया है, शुगर पाउडर आपके मीठे के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए जितना आपको शुगर पाउडर चाहिए।
और अभी इसी जो ये हैंड ब्लेंडर है ना, इससे मैं इसको यहाँ पे अच्छे तरह से मिक्स कर दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा ये काम कर रहा है, और मेरी फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी थी लेकिन फिर भी ये कितने अच्छी तरह से उसको क्रश कर रहा है। ऐसे ही ना गैजेट्स जो होते हैं ना घर के अंदर, ईज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा किचन में काम करने पर, तो बहुत बहुत ज़्यादा ये काम का चीज़ है। तो ये नहीं था ना मेरे पास, तो मैंने फिर इसके लिए इसको मंगवा ली हूँ वापस से। और फिर जो बचा हुआ दूध था ना वो मैंने डाल दी हूँ इसके अंदर, और थोड़ा सा आइस डाला है मैंने इसमें। अगर आपको आइस नहीं चाहिए तो ना भी डालें आप। और ये देखिए अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी क्रश यहाँ पे डाली हूँ, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने आइसक्रीम भी डाली थी, वनीला आइसक्रीम। मेरे पास वनीला आइसक्रीम ही रखी थी घर में, तो मैंने वनीला आइसक्रीम डाली थी। आप चाहें ना तो इसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डाल सकते हैं, वैसे मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ करी हूँ, तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे वनीला आइसक्रीम ही डाली थी। और ये मेरे पास ना ये जो 10 वाला कप होता है ना, वो कप मैंने रखी थी घर में, तो वही मैंने एक कप यहाँ पे यूज़ कर ली हूँ। और अब इसको मिक्स कर लूँगी मैं, और फिर इसके बाद में मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा था। इतना इजी, इतनी जल्दी जल्दी मिक्स हो रहा था ना ये, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, पहले की याद आ जा रही थी मुझे इसको मिक्स करने में। आप चाहें तो ऐसे ही आप मिक्सी में भी बना सकते हैं, जो मिक्सी जार होता है उसमें भी बना सकते हैं, बट इसको क्या क्लीन करना इजी आसान है, छोटा सा जगह है तो उसको साफ़ करने के लिए और थोड़ी सी जगह में रखने के लिए ये यूज़ हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सर्विंग ग्लास के अंदर ना थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम डाल दी हूँ, और अब थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जो क्रश है ना वो मैं ग्लास में यहाँ पे लगा दे रही हूँ। और फिर इसके बाद में मैं हमने जो ये स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बना कर रखा है उसको मैं इसके अंदर पोर कर दूँगी। और ये इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इस ब्लेंडर से बनाई हूँ ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। ऐसे तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, बट मुझे आज बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ये। और वैसे मैंने इसको बनाई थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत दिन से बोल रहा था कि मम्मी मिल्कशेक बना दो पीना है मुझे, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक अभी सीज़न है इसीलिए। तो मैंने बनाई थी उसके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, उसने पिया था, बट जब से ये आया था ना ये ब्लेंडर मशीन मेरा, तब से वो ज़्यादा पीछे पड़ा था, मम्मी बना दो देखो कैसा लगता है। तो बस यही था आज का वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।